वफा करने से वो मजबूर हो जाए तो क्या कीजिए। मोहब्बत रूह का नासूर हो जाए तो क्या कीजिए। अमिता परशुराम की शायरी में नारी के पाकीज़ा जज्बात और एहसासात की ताजगी है। उनकी शायरी में जागती हुई आँखों की बेचैनी और सोई हुई आँखों के सपने हैं। मिलकर बिछड़ने और बिछड़कर मिलने की कश्मकश का मीता जी के दिलो दिमाग पर काफ़ी असर है। प्यार मोहब्बत और इश्क के साथ साथ इंसानी चेहरों के बदलते हुए रंगों की तस्वीर बनाने के हुनर से मीता जी अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनके अशार में संगीत है। उनकी गज़लें जब मौसीकी में ढल जाएं तो ऐसा असर रखती हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो पाता। मेरी नेक तमन्नाएं उनकी खूबसूरत शायरी की कामयाबी के साथ हैं।